सियाम के दिल फरेब दिल शगुफ्ता शब रोज हर हर गुजरते लम्हे में इबादतों और जिक्र अज़कार की हलावतों को पा लेने की तमन्ना। आह जो खुशा लम्हात गुजर गए, माह मुबारक का वो दिन जो हमसे जुदा हो गया। ऐ काश उन्हीं गुजरे लम्हों में होने वाली निकियाँ फिर से मैसर आ जाएं, तो क्या ही बात है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल तबलीग कुरान सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक दावत इस्लामी के ज़ेर इंतज़ाम मदनी चैनल 1434 सन हिजरी के रमज़ानुल मुबारक की लाइव और रिकॉर्डेड ट्रांसमिशन को रिपीट ट्रांसमिशन नशरे मुकर्रर के तौर पर बनाम रमज़ान की पुरकैफ यादें पेश करने की सआदत हासिल कर रहा है, जिसमें आप मुलाहजा करेंगे दावत इस्लामी के तहत होने वाले तरबियती एहतिकाफ में अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातहुमुल आलिया का मोतकिफीन आशिकान रसूल की तरबियत करना, मोतकिफीन इस्लामी भाइयों का अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातहुमुल आलिया की मुबारक सोहबत में सहरी और इफ्तारी की सआदत हासिल करना, अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातहुमुल आलिया का बाद नमाज ज़ोहर और बादस तरावीह रोज़ाना दो मरतबा मदनी मुज़ाकरा क़ुर्बे इफ्तार अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में मुनाजात का सिलसिला और दीगर महके महके सुन्नतों भरे सिलसिले। आइए देखते हैं रमज़ान की पुरकैफ यादें। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दिन 12 बजे हमदे बारी ताला नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम से नशरियात का आगाज़ हुआ, उसके बाद सिलसिला रूहानी इलाज और इस्तिखारा हुआ। आइए इसके मनाजिर देखते हैं। मेरा नाम सज्जाद कादरी है। मेरा मसला ये है कि मेरी रोजगारी में बहुत बहुत परेशानी है, तो बराए मेहरबानी आप बाबा जानी की नजर करम से कुछ इसका हल बता दें ताकि रोजगार मेरा चल सके। अल्लाह तबारक व तआला सज्जाद भाई आपकी कारोबारी परेशानी को दूर फरमाए। एक बहुत ज़बरदस्त रूहानी इलाज पेश खिदमत है, मलफूजात आला हजरत में है। एक साइल ने आकर आला हजरत की खिदमत में हाजिर होकर रोज़गार के हवाले से परेशानी का तस्किरा किया। इस पर मेरे आका आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, एक सहाबी रदियल्लाहु ताला अन्हु खिदमत अक्दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए और अर्ज़ की, दुनिया ने मुझसे पीठ फेर ली। रहमत वाले आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या वो तस्बीह तुम्हें याद नहीं जो तस्बीह है मलाइका की और जिसकी बरकत से रोज़ी दी जाती है। खल्के दुनिया आएगी तेरे पास जलील व ख़ार होकर तुलुए फजर के साथ 100 बार कह लिया कर, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन सहाबी को जो विर्द अता फरमाया दोबारा सुन लीजिए, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह। वो सहाबी ये विर्द लेकर रवाना हो गए। उन सहाबी रदी अल्लाह ताला अन्हु को 7 दिन गुजरे थे कि खिदमत अक्दस में हाजिर होकर अर्ज़ की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया मेरे पास इस कसरत से आई, मैं हैरान हूँ कहाँ उठाऊँ कहाँ रखूँ। ये रिवायत सुनाने के बाद आला हजरत ने उस साहिल से फरमाया, इस तस्बीह का आप भी विर्द रखिए, हत्तुल इम्कान तुलुए सुबह सादिक के साथ हो, वरना सुबह से पहले जमात कायम हो जाए तो उसमें शरीक होकर बात को अदद पूरा कीजिए, और जिस दिन कबले नमाज भी ना हो सके तो खैर तुलुए शम्स से पहले यानी सूरज निकलने से पहले पहले अमल कर लिया जाए। मेरा नाम फैसल है, मेरी वालदा का नाम नुसरत बीबी है जी। मुझे अपना इशारा करवाना है, तो 4 साल हो गए मेरी मतलब शादी को, औलाद भी नहीं है। फैसल भाई, इस हवाले से आपका इस्तिखारा किया तो इस्तिखारे में बंदिश का इशारा आ रहा है। हम दुआ भी करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी इस बंदिश को दूर फरमाए और आपको नेक सालेह आफियत के साथ औलाद अता फरमाए। फैसल भाई, आप औलाद के हुसूल के हवाले से रूहानी इलाज समाअत फरमा लीजिए। आपको चाहिए कि आप हर जुमा को 10 मरतबा या बारीऊ पढ़ लिया करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ावजल इसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला नेक औलाद नसीब करेगा। फिर सिलसिला ख्वाबों की ताबीरें पेश किया गया।
ख्वाबों की ताबीर ये हमारा सिलसिला है। ख्वाब एक पुरअसरार हकीकत हैं। इस सिलसिले में आपके ख्वाब होते हैं और उनकी ताबीरें हुआ करती हैं। कई ख्वाब ऐसे होते हैं कि जिनकी कोई ताबीर ही नहीं होती है। मुझे ख्वाब आया था कि मेरी अम्मी मुझे ख्वाब में आई और मैं कोई मुश्किल में हूँ, तो मुझे सांप नजर आए, बहुत बड़े बड़े सांप थे, तो मैं उनको ना मार रहा हूँ। मेरी अम्मी कहती है इनको मार दो, मैं मार मार के ना सांपों को नीचे फेंक रहा हूँ, मेरी अम्मी उनको नीचे अपना फेंक रही है। ऐसे मुझे ख्वाब आया, बहुत बड़े सांप मुझे नजर आए। सांप जो ख्वाब में देखना, इसकी भी बहुत सारी ताबीरें उलमा इकराम ने की हैं। अलमुख्तसर ये कि ख्वाब में सांप देखना ये दुश्मन की अलामत हुआ करता है, और अगर ये देखे कि वो सांप को मार रहा है तो इस तरह ये होगा कि वो दुश्मन को मग़लूब करेगा, वो ख़ुद गालिब आ जाएगा, ये इसकी ताबीर हुआ करती है। और अगर उसने, जैसे आपने फरमाया आपने उड़ते हुए सांप देखे, बहुत सारे सांप, तो ये बहुत सारे दुश्मनों की तरफ भी निशानदेही हुआ करती है। लेकिन इसमें यह भी है साथ में कि उनसे इसे नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये मेरा सवाल ये था कि मेरी वाइफ ने, बीवी ने मकसद ख्वाब देखा रात नमाज के बाद, कि हमने कुछ दिन पहले एक गाय ली है, बच्चा दे रही है, बच्चा दिया है उसने, बच्चे मादा, तो वो देख रही है ख्वाब में कि वो दुआ मांग रही है, वो बच्चा दुआ मांग रहा है, तो अजान भी दे रहा है। इसके मामले में पूछना था ये ताबीर क्या हो सकती है। गाय के हवाले से उलमा इकराम ने गाय या बछड़ा वगैरह देखने पर जो ताबीर बयान की है कि ये गाय जो है इसमें औलाद की तरफ इशारा है कि औलाद होगी इंशाल्लाह। बाद नमाज ज़ुहर तिलावत कलाम पाक को हदिया इनात के बाद शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी रज़वी ज़ियाई दामत बरकातहुम अलिया का अवामुन्नास के लिए रुश्द व हिदायत पर मबनी मदनी मलफूजात से सजा मदनी मुज़ाकरा हुआ, उसके चंद मनाज़िर देखते हैं। हाज़रीन और नाज़रीन, जब कभी दाखिल मस्जिद होने की सआदत पाएँ तो एतिकाफ़ की नियत ज़रूर कर लिया करें। नियत दिल के इरादे को कहते हैं। दिल में भी नियत कर मैं एतिकाफ़ से हूँ, अब मुतकिफ हो गए। याद रखिए, मस्जिद में खाना पीना, सोना, सहरी, इफ्तार, ये सब जायज़ नहीं। अगर एतिकाफ़ की नियत कर ली थी तो ज़िमनन जायज़ हो जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बाबा जान, मनी नाम वाजा कलंदर बख्श, मन इजारा मजलिस तो का कारकन गाँव, मनी जिम्मेदारी हस्ते मदरसत मदीना पाकिस्तान सरा, मनी ताल्लुक बलूचिस्तान च हस्ते, मनी सवाल हस्ते के कसे सैयदजादे पात सैयदजादे च पात दबाने लोगे या दफ्तरे झाड़ू जनाने, गंदगी और किचरिया ना चिस्त कनाने, चुकानी सिल साफ कने, गंदगी साफ कनाने, दशुई शुदाने सिल्ली नालिया ना साफ कनाने के कार्य वास्ता है ना मुलाजिम एयरकोत कने। इन्होंने जो सवाल किया है, क्या किसी सैयद साहिब से पाँव दबवाने, घर या दफ्तर में झाड़ू लगवाने, गंद और कचरा वगैरह उठवाने, बच्चों की गंदगियां इस्तंजा खाने धुलवाने, गंदी नालियां साफ़ कराने का काम पर मुलाजिम रखना कैसा, इसके हवाले से मदनी फूल इशारत फरमा दें। सादात किराम से, सैयदजादों से इस तरह की के काम लेना नाजायज़ है, ये जिल्लत के काम है। इसी तरह किसी गैर मुस्लिम के पास मुसलमान भी इस तरह का काम नहीं कर सकता, कि ये भी मुसलमान की जिल्लत है। इसी तरह खिदमत गारी के काम, जैसे पाँव दबाना वगैरह, ये हल्के और घटिया किस्म के काम होते हैं, इस तरह की नौकरियां, तो ये सादात किराम से भी ना ली जाए इस तरह की खिदमतें। और मुसलमान जो है वो गैर मुस्लिम के पास भी इस तरह की नौकरी नहीं कर सकता। والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله عليه محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته प्यारे बापा जान की बारगाह में अर्ज है
कि उमूमी तौर पे देखा जाता है कि लोगों की ज़कात जो है वो रजब शाबान वगैरह में ड्यू हो जाती है, लेकिन वो रमज़ान का इंतज़ार करके रमज़ान में ज़कात अदा करते हैं। तो क्या आया उनकी जो ज़कात जो रजब में या शव्वाल में या रबीउ नूर शरीफ में ड्यू होती है और वो आगे रमज़ान में ज़कात देते हैं, तो इसका कोई तरीका या कोई हल हो सकता है कि एडवांस अगर ज़कात दे दी जाए, या जो रमज़ान में थी तो क्या आया वो इतने दिनों को ज़ाया करके गुनाहगार हो रहे हैं? तो इस बारे में अगर तफसीलन बयान किया जाए तो जज़ाकल्लाहु खैरन कथीरा फिदारैन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। ये तसव्वुर है कि ज़कात रमज़ान में दी जाती है, और हम लोग जैसे चंदा वसूल करते हैं खासकर अतियात, तो वो भी रमज़ान में ज़कात 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 ज़कात, ये चारों तरफ यही एक तसव्वुर है। और ऐसा लगता है कि लोगों का जहन ये बना हुआ है कि ज़कात रमज़ान में दी जाती है, हालांकि ऐसा नहीं। ज़कात के लिए जब साल पूरा होता है ना, जिस वक्त ये साहिब निसाब बना उसी घड़ी घंटे और मिनट पर आइंदा साल उसका ये साल पूरा होगा और ज़कात अब इस पर ये फ़र्ज हो। अब बिला वजहा ताखीर अदायगी में ताखीर जो है ये गुनाह है, एक एक मिनट का हिसाब है। लिहाजा 27 रजबुल मुरज्जब को फजर के 6:06 पर उसका साल पूरा हो गया, तो अब यह कि 6:06 पर उसको ज़कात फ़र्ज हुई है, 6:07 ना होने दे, 6:05 पर दे दे तो चलेगा, 7 जानबूझकर अगर ताखीर करेगा तो ये ताखीर की शरीयत में इजाज़त नहीं। ये फार्मूला याद रखिएगा, क्योंकि अवाम ये समझते हैं कि रमज़ान में ज़कात देनी चाहिए, तो अब रमज़ान का इंतज़ार करेगा ज़कात फ़र्ज होने के बावजूद तो ये गुनाहगार होगा। ये नहीं कि रमज़ान का सवाब ज़्यादा मिलेगा इसलिए मैं रमज़ान में दूंगा, गुनाहगार होगा। तो इसका तरीका साहिल मोहतरम बहुत समझदार और इल्म रखने वाले लग रहे थे और लोगों को समझाना चाहते थे, इनको मुबल्लिग होना चाहिए दावत इस्लामी का और इमामा शरीफ भी बांधना चाहिए, और नपातुल्ला सवाल कर रहे थे माशाल्लाह बारकल्ला। तो एडवांस में दे दिया जाए, ये इन्होंने सवाल में इशारा था इनका जो बिल्कुल दुरुस्त है कि एडवांस में ज़कात दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपको पता है कि मुझ पर ज़कात रजब शरीफ में फ़र्ज होती है फ़लां तारीख को, तो अब ये रजब आए इससे पहले जो रमज़ान आया, मिसाल के तौर पर अब रजब आएगा तो आप पर ज़कात फ़र्ज हो जाएगी आपका निसाब के हिसाब से, तो इसी रमज़ान में दे दें, ज़कात एडवांस में दे सकते हैं, रमज़ान के इंतज़ार में ताखिर नहीं हो सकती। रमज़ान की फजीलत पाना चाहते हैं तो मरहबा, आप एडवांस में दे दें पेश की तो जायज़ हो जाएगा, ज़कात भी अदा हो जाएगी इंशाअल्लाह, रमज़ान की फजीलत भी हासिल हो जाएगी। हिसाब कैसे लगाएंगे, यानी रमज़ान में जितना उसके पास माल है क्या उस माल में से ज़कात निकालेगा या क्या करेगा? जो इसकी निसाब है उस पर यह ज़कात तो निकालेगा। अब अगर बढ़ गया, अगर बढ़ गया इस पर माल, तो अब वो फिर वो रमज़ान के बाद अगर बढ़ा, क्योंकि अभी इसका साल तो पूरा नहीं हुआ, तो उस बढ़े हुए माल पर फिर उसको ज़कात तो देनी होगी, वो फ़र्ज तो उस पर होनी है वो उसी तारीख पर। अब ये कि अब उस तारीख को उस वक्त दे या इससे कबल दे दे, इसको इख्तियार होगा। ये जितनी भी निकाली है अगर ये उसका हिसाब लगा लेते हैं, मिसाल के तौर पर रजब में इसके पास 3 लाख रुपये आ गए, रमज़ान में इसने देखा मेरे पास 4 लाख हैं, तो इसने 10,000 रुपये इसकी तकरीबन ज़कात बनी, इसने निकाल दी। अब जब ये देखा यही जाएगा कि रजब की जिस तारीख को इस पर ज़कात फ़र्द हुई है उस तारीख को इसके पास कितने पैसे हैं, तो अगर उस तारीख को इसके पास 3 लाख रुपये हैं तो गोया 7,500 तो इसकी ज़कात हो गई, 2,500 इसका अगले साल के लिए एडवांस हो गया, एडवांस हो गया। और अगर मिसाल के तौर पर 5 लाख रुपये हैं तो फिर जो है वो 10,000 तो उसकी ज़कात अदा हो चुकी थी, 2,500 इसको अब देनी पड़ेगी। माशाल्लाह, वल्लाहु तआला अअलमु व रसूलुहु अअलम, अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही व सल्लम, सल्लू अलल हबीब। मदनी मुज़ाकरे के बाद आपने मुलाहज़ा किया सिलसिला रोशन मुस्तकबिल। दावत इस्लामी ने दुनिया भर में धूम मचाई है, सारे जहां में इश्क़े मोहम्मद की खुशबू फैलाई है, फैलाई है। दीन का पैगाम है ये दुनिया भर के नाम है,
दीन का पैगाम है ये, दुनिया भर के नाम है। मदनी चैनल के नाज़रीन, यकीन जाने मदनी मुन्नों और मदनी मुन्नियों की रिकॉर्डिंग करना बहुत मुश्किल काम है। हम कब से इनका इंतज़ार कर रहे हैं कि अब आएंगे। खाने पीने का भी इंतज़ाम किया हुआ है कि मदनी मुन्ने आएंगे, मदनी मुन्नियाँ आएंगी, लेकिन कुछ पता नहीं चला। माशाल्लाह मरहबा, आइए आराम से। चलिए चलें भाई, आइए। मदनी मुन्ने भारी हैं भाई। अरे माशाल्लाह, चलें दारुल मदीना आ गया। आराम से जंप चलें। मकबूल जगह भर में हो दावत इस्लामी, मकबूल जगह भर में हो दावत इस्लामी, सदका तुझे ए रब्बे गफ्फार मदीने का। सिलसिला शुरू हुआ नहीं है और अभी से थकन हो गई है हमें, लेकिन सिलसिला भी करना है, आपको दिखाना भी है। आइए, प्यारे प्यारे मदनी मुन्नों की प्यारी प्यारी बातें आपको सुनाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि। मदनी चैनल के नाज़रीन, काफ़ी सारे बच्चे जो है झूला झूल रहे हैं और कुछ ये बच्चे मेरे साथ खड़े हुए हैं। आप लोग झूला क्यों नहीं झूल रहे? आप झूला क्यों नहीं झूल रही? आप क्यों नहीं झूल रहे? जी झूला झूलना है? किस किसने झूला झूलना है जल्दी से बताएं। आ जाओ, जो झूला झूलेगा आ जाए। चलें, गेट कौन खोलेगा? गेट खोलें। ये अब पार्क के अंदर दाखिल हो गए। चलें, कौन सा वाला झूला झूलना है? ये वाला। आइए आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मदनी मुन्नो? ठीक हूँ। मज़ा आ रहा है? आप लोग काफ़ी देर से झूला झूल रहे हैं, ये भाई को झूला दें। इस पर ऊपर चढ़ना किस किस को आता है? जल्दी से चढ़ना है, मुकाबला होता है। चलें, रुकें, कौन ऊपर चढ़ेगा? रुकें, नीचे उतरें, कौन ऊपर चढ़ेगा? चढ़ने की आप लोग ऊपर चलें। मैं तीन तरह गिनती गिनूंगा फिर चढ़ना है। एक दो तीन जल्दी। कौन चढ़ रहा है ऊपर? अच्छा, इतनी जल्दी कैसे चढ़ गए? दारुल मदीना मज़ा आता है आपको जी? ये कौन से बाल कटवाए आपने? ये तो गंजे हो गए आप आधे। कौन से बाल हैं ये? बर्गर। चले आप बताएं, आपका नाम क्या है? अब्दुल्ला। अब्बू का नाम क्या है? तईद। कहाँ पढ़ते हैं आप? दारुल मदीना। मदनी मकसद सुना दें। हमारा मदनी मकसद है, मुझे अपनी औकात देने के लिए इंशाल्लाह अज़्ज़वजल। जिसकी सबसे ज़्यादा तेज़ आवाज़ आएगी उसको दिया जाएगा एक केला। अस्सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। किसकी तेज़ आवाज़ आ रही है? ज़रीना की आ रही है, तो भी ज़रीना को मिल जाएगा। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातो वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातो वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। जब तलकती है चांद तारे दिल मलाते जाएंगे, तब तलक जश्न विलादत हम मनाते जाएंगे। उसके बाद शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातहुम अलिया के हमराह सिसकियों और हिचकियों के साथ अल्लाह अज़्ज़ा वजल को राजी करने की सही सिलसिला मुनाजात इफ्तार का इनेकाद हुआ। प्यारे और मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, जैसे जैसे माह रमदान के रोज़े गुजरते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे कई अफ़ाल और आमाल में कमी भी महसूस की जाती है। शुरू में फजर में बड़ी सुबह रफ्तारी के साथ फौरन मस्जिद का रास्ता लिया जाता है, मगरिब के बाद इफ्तार के बाद भी फौरन मस्जिद का रास्ता लिया जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता
जमात से नमाज पढ़ने वालों में कमी आना शुरू हो जाती है, और ये मुशाहिदा लाखों मुसलमानों का जो मस्जिद में नमाज व जमात अदा करते हैं, शायद इनका होता हो तो कोई ताजुब नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बा जमात नमाज अदा करना तनहा नमाज पढ़ने से 27 दर्जे अफजल है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मर्द का जमात के साथ नमाज अदा करना उसके अपने घर और बाजार में नमाज अदा करने से 25 दर्जे अफजल है। जब वो अच्छे तरीके से वुजू करता है फिर मस्जिद की तरफ निकलता है और उसकी नीयत सिर्फ नमाज की होती है तो उसके हर कदम पर अल्लाह ताला उसका एक दर्जा बुलंद फरमाता है और उसकी एक खता को मुआफ फरमाता है। जिसने कामिल वुजू किया और किसी फर्ज नमाज की अदायगी के लिए चला और नमाज बाजमात अदा की तो उसके गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे। जो अल्लाह की रिजा के लिए 40 रोज बाजमात तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ेगा उसके लिए दो आजादियां लिखी जाएंगी, एक जहन्नम से दूसरी निफाक से। बेशक फजर और ईशा की नमाजें मुनाफिकीन पर सबसे ज्यादा भारी हैं। अगर जानते कि इन नमाजों में क्या है तो इन नमाजों में जरूर हाजिर होते, अगरचे घसीटते हुए आते। अगर तुम अपने घर में नमाज पढ़ोगे जैसे उस नमाज से पीछे रहने वाले शख्स ने अपने घर में नमाज अदा की तो बेशक तुमने अपने नबी की सुन्नत को छोड़ दिया, और अगर तुम अपने नबी की सुन्नत को छोड़ दोगे तो गुमराह हो जाओगे। अल्लाह ताला बाजमात नमाज पढ़ने वालों से खुश होता है। सुभान अल्लाह। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें जो हिदायत वाले तरीके सिखाए इनमें से एक ये भी है कि जिस मस्जिद में अजान होती है नमाज वहीं अदा की जाए। ए मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, जमात से नमाज पढ़ने की पूरी कोशिश करें। घर में ही नमाज पढ़ लेना ये दुरुस्त नहीं है। आप नियत कर लें कि तमाम नमाजें बा जमात मस्जिद में सफ़े अव्वल में और तकबीर उला के साथ अदा करेंगे। लोकर में से हो गए खता।
سلسلے کے بعد آپ نے ملاحظہ کیا، مبلغ دعوت اسلامی و نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری، مدہ ذلوہ العالی کا سلسلہ مدنی پھولوں کی مدنی مہک۔ نیت المومن خیر من عملہ، مسلمان کی جو نیت ہوتی ہے نا وہ اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ تو اب ہم کسی کی اس طرح مدد کرنے جا رہے ہیں، کسی کی غم خاری کرنے جا رہے ہیں، کسی کا پیٹ بھرنے جا رہے ہیں، کسی کی بھوک اور پیاس مٹانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اچھی اچھی نیتیں کر لیں گے۔ میں یہ کام اول تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ لوگ عموماً یہ افطار کا انتظام کرتے ہیں سڑکوں کے اوپر، اور دنیا میں کہاں کا کس کس انداز سے لوگوں کو کھلایا پلایا جاتا ہوگا، بالخصوص افطار کے وقت، اور سحری کے وقت بھی لوگوں کی غمخواری اور مدد کرنے کا رجحان ہو تو کوئی تعجب نہیں ہے۔ یہ جو سب کچھ ہوتا ہے اس میں اچھی اچھی نیت ہونی چاہیے جب مسلمان جمع ہو کر کھانا کھاتے ہیں، اس میں برکت بھی بہت ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ مل کر کھاؤ جدا نہ ہو، کہ برکت یہ جماعت کے ساتھ ہے۔ گھر میں کوئی اچھا سا کھانا پکا ہے اور کھانا پک کر آپ نے اپنے کسی پڑوسی کے گھر میں بھجوا دیا، یا والدین کے گھر پہ بھجوا دیا، بھائی کے گھر پہ بھجوا دیا، بہن کے گھر پہ بھجوا دیا، عزیز رشتہ داروں گھر پہ بھجوا دیا، تو جب آپ کی وہ چیز کسی کے گھر میں جائے گی تو ظاہر ہے کہ وہ اس کو برا تو نہیں لگے گا نا، کہ لے اٹھا کر اس نے کھانا بھیج دیا، اور وہ ناراض ہو جائے گا اور فون کر کے کہے گا بے شرم ہو گئے ہو، تم کو سمجھ نہیں آتی ہم کو کھانا بھیج دیا۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ یعنی آپ جب کسی کے ساتھ اس طرح کا انداز اختیار کریں گے تو اس کے دل میں جگہ بنے گی، بلکہ اس کے گھر میں خوشی داخل ہوگی کہ ماشاءاللہ ہمارے پڑوسی کتنے اچھے ہیں، یا میرا بھائی کتنا اچھا ہے، میری بہن کتنی اچھی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مسلمانوں کے کسی گھر میں خوشی داخل کی اللہ عز و جل اس کے لیے جنت سے کم کسی ثواب پر راضی نہ ہوگا۔ جن کو اللہ تعالی نے وسعت دی ہے، کھاتے پیتے لوگ ہوتے ہیں، اور ہیں کھاتے پیتے لوگ، ایسا نہیں کہ کوئی مطلب نہیں ہوتے، تو پلیز کچھ اپنا ہاتھ کھولیں، اور غریبوں کی، ناداروں کی، مسکینوں کی زکوٰۃ کے علاوہ مدد کریں۔ زکوٰۃ تو آپ نے دینی دینی ہے، زکوٰۃ تو فرض ہے، نہیں دیں گے تو کہاں جائیں گے؟ اللہ نہ کرے اگر بغیر زکوٰۃ دیے مر گیا، اللہ ناراض ہوا، اس کے حبیب روٹ گئے، قیامت کے دن مرنے کے بعد جو اس کا عذاب ہے، اللہ امان والحفیظ۔ وہ ایک فرض ہے زکوٰۃ، تو وہ تو دینی دینی ہے، لیکن اس کے علاوہ نفلی صدقات وغیرہ کے حوالے سے، کیونکہ یہ بھی نفلی صدقہ تھا، گھر میں بھی دیں، گھر میں کھلانا، گھر میں پلانا، گھر والوں پر خرچ کرنا، اس کی بھی ایک اپنی برکت، اس کی اپنی بہار ہے۔ صرف ایسا نہیں کہ باہر ہی صرف معاملہ رہتا ہے۔ جی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص ثواب کی نیت سے اپنے اہل خانہ پر خرچ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث سنیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو پاک دامنی چاہتے ہوئے اپنے آپ پر کچھ خرچ کرے تو یہ اس کے لیے صدقہ، اور جو اپنی بیوی بچوں اور گھر والوں پر خرچ کرے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ جب تک تم میں سے کسی کا دسترخوان بچھا رہتا ہے، اتنی دیر تک فرشتے اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ حدیثیں جو میں نے آپ کو بیان کی ہیں، ان میں اچھی اچھی نیتیں کریں۔ سب سے پہلی نیت ہوتی ہے اخلاص، کسی بھی طرح بھی غمخواری کر رہے ہیں، ان کی دل جوئی کر رہے ہیں، ان کا دل خوش کر رہے ہیں، آپ افطار دے رہے ہیں، آپ کسی کو سحری دے رہے ہیں۔ کپڑے عموماً لوگ نکالتے ہیں، لیکن دیکھیے اس میں بھی غور کیجئے کہ ایسی چیز دیں جو مناسب ہو، بالکل مطلب گھٹیا قسم کی چیزیں دینے کے معاملے میں بھی آپ 100 دفعہ غور کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، دل بڑا رکھیں، وہ دل میں، ذہن میں، قلب میں وسعت پیدا کریں، دیں اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، دیں اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کہیں بھی نہیں جائے گا، کچھ نہیں گھٹے گا، بلکہ آپ کے رزق میں، آپ کے مال میں، آپ کی عمر میں برکت ہوگی، بری موت سے بچنے کی صورت پیدا ہوگی۔ تو اپنے پاک مال سے، ویسے حرام مال سے توبہ کر لیجئے۔ اگر آپ رشوت کے ذریعے، سود کے ذریعے، جھوٹ کے ذریعے، ملاوٹ کے ذریعے، دیگر گناہوں کے ذریعے اگر آپ کا ذرائع آمدنی آپ کما کر گھر میں لاتے ہیں، پلیز ایک آپس سے بیٹھ کر کو خوبصورت سا مدنی مشورہ کر کے اس حرام روزی سے جان چھوڑائیں۔ حرام روزی سے نہ گھر آباد ہوتا ہے، نہ گھر میں برکت ملتی ہے، نہ کھانے میں برکت ملتی ہے، لڑائی جھگڑے، نا اتفاقیاں۔ آپ کے گھر میں اگر نا اتفاقی ہے، دسترخوان پہ بھی لڑ رہے ہو، نہیں کرو یار، کیوں نا اتفاقی ہے؟ اس کا سبب کوئی ذرائع آمدنی ہو، کہ ہمارے گھر میں جو مال آ رہا ہے وہ مال حرام کا ہے، ہمارے آپس سے محبت، پیار، اتفاق، یا ہمارے گھر میں کوئی گناہ ہو رہے ہیں، اس پہ غور کر لیجیے نا۔
हो सकता है इससे मोहब्बत आपके दिल में, आपके घर में, आपके घराने में आ जाए और घर अमन का गहवारा बन जाए। इसी तरह जो अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हैं पाक माल से करें, पाक माल से करें, हलाल कमाई से करें, सवाब मिले ना। अब जो यूं जनरली तौर पर जो लोग खाना खिलाते हैं आम तौर पर, तो आराधत फरमाते हैं कि खबरदार हरगिज ऐसा ना करे कि खाते पीतों को बुलाएं, मोहताजों को छोड़ें, कि ज़्यादा मुस्तहिक तो वही हैं और इन्हें इसकी हाजत है, तो इनका छोड़ना, इन्हें ईज़ा देना यानी इनको तकलीफ़ देना और दिल दुखाना है। मुसलमानों की दिल शिकनी माज अल्लाह वो बलाए अजीम है कि सारे अमल को खाक कर देगी। ऐसे खाने को हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे बदतर खाना फरमाया कि पेट भरे बुलाए जाएं जिन्हें परवाह नहीं और भूख के छोड़ दिए जाएं जो आना चाहते हैं। सेठ साहब आइए, सेठ साहब जी जी, सेठ साहब आइए आइए, अरे जगह दो सेठ साहब, अरे नहीं 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 आप भी आइए, आप भी आइए, ओए तू बाहर है, बाहर है, चल चल बाहर है। गरीबों को भगाएं, फकीरों को भगाएं जो मुस्तहक हैं और पेट भरों को लाएं। मैं नहीं कहता उनको भी जलील करें, नहीं किसी को भी जलील ना करें ना, हर एक को उसके मकाम और मर्तबे के मुताबिक इज्जत दीजिए, मकाम दीजिए और सवाब के लिए कर रहे हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए खाना खिला रहे हैं, इस अंदाज से खाना खिलाएं कि सबको खुशी हो। बल्कि आगे आला हज़रत इमाम मेरे सुन्नत ने जो कुछ इरशाद फरमाया, गौर कीजिए कि फ़ुकरा के आएँ जो अमूमी तौर पर, जो आम तौर पर लोग जो खिलाते पिलाते हैं सवाब की नीयत से, आम तौर पर लंगर वगैरह भी करते हैं, कि फ़ुकरा के आएँ उनकी मदारत और खातिरदारी में पूरी कोशिश करें, यानी इनकी वो कहते हैं ना कि वो खातिर व मदारत, आइए आइए आइए, अरे आइए आइए, बैठिए 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 बैठिए, अरे आप 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 भी बैठिए, आप भी बैठिए, इज्जत वकार के साथ फकरा को बुलाइए बिठाइए। और साथ आलादत फरमाते कि ऐसा करें फिर अपना एहसान उन पर ना रखें कि मैं आपके ये इज्जत दे रहा हूँ तो मैं गोया आप पर एहसान कर रहा हूँ, नहीं नहीं आलादत मना फरमाते, आलादत इन पर एहसान ना रखें बल्कि आने में उनका एहसान अपने ऊपर जाने कि वो अपना रिस्क खाते और तुम्हारे गुनाह मिटाते हैं। उठाने बिठाने बुलाने खिलाने किसी बात में बर्ताव ऐसा ना करें जिससे इनका दिल दुखे, कि एहसान रखने इज़ा देने से सदका बिल्कुल अकारण चला जाता है यानी बातिल हो जाता है। अर्ज़ करने का मकसद ये है कि अपने घर वालों पर रिस्क हलाल से इनकी ये भी लाया करें, कुछ ना कुछ इफ्तार के बाद सहरी का भी अच्छा इंतज़ाम हो, आम तौर पर भी कुछ ना कुछ घर वालों को खिलाया करें पिलाया करें, बी बच्चों पर खर्च करें, माँ बाप पर खर्च करें, भाई बहनों पर खर्च करें, रिश्तेदारों पर, अजीज़ अकारी पर खर्च करें। अब गरीब भी हैं तो कुछ ना कुछ दो चार चीज़ें सिलाएं और लाते भी हैं, मगर नीयत अच्छी होनी चाहिए अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए करें, अल्लाह को राज़ी करने के लिए करें, रिस्क हलाल से करें, पाक माल से करें, आम तौर पर जो मुसलमानों को खिलाते पिलाते हैं नियाज नज़र और लंगर वगैरह करते हैं वो बिलखसूस इन मदनी फूलों पर तवज्जो रखें और अल्लाह की रज़ा के लिए करें, सवाब कमाने के लिए करें, रिस्क हलाल से करें, ईज़ा ना दें, तकलीफ़ ना दें। छोटा आए बड़ा आए अमीर आए गरीब आए जैसा भी शख्स आए उसके मकाम मर्तबे के मुताबिक उसको शरीयत के तकाज़े पूरे करते हुए मसलियत शरई को सामने रखते हुए उसके साथ बर्ताव करें शुरू करें इंशाल्लाह मदीना मदीना हो जाएगा। मेरा नाम अहमद मुश्तबा है, मेरा ताल्लुक कराची से है। आपसे मुझे एक बात शेयर करनी है कि अपने काम से काम रखना क्या ये गलत है? बास लोग इसको नेगेटिव लेते हैं जबकि इस दौर में अगर किसी को लिफ्ट भी दे तो आपकी गाड़ी मोबाइल सब लूट लिए जाते हैं। इस दौर में अपनी सेफ्टी के लिए अगर कोई अपने काम से काम रखे तो क्या हर्ज है? अगर मैं गलत हूँ तो मुझे समझा दे। अपने काम से काम रखे कोई हर्ज नहीं है। बापा बार बार एक शेर कहते हैं कि जीने की ख्वाहिश है तो कुछ पहचान पैदा कर। ये बात दुरुस्त है, आपने बहुत अच्छी बात की है कि अगर इस तरह अगर हम राह चलते हुए लोगों को लिफ्ट देंगे और ये पीछे बैठेगा, पीछे बैठकर हम ही को उतारेगा, बोलेगा अब जाए इधर से, और जो कुछ जेब में वो भी लेकर चला जाएगा, गाड़ी लेकर चला जाएगा, मोटरसाइकिल लेकर चला जाएगा। हालात दुरुस्त नहीं है और अपने काम से काम रखना भी चाहिए, बिला वजह किसी के मामले मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। लेकिन वो जो गमखारी का और
लोगों के हाल अहवाल के हवाले से जो एक शरीयत के मुताबिक जो एक मालूमात होती है रिश्तेदारों के ख़ानदान के हवाले से, पड़ोसियों के हवाले से, इनकी कस्मा पुरसी के हवाले से बाद अगर पता चल जाता है, जब आप जमात से नमाज़ पढ़ने के आदि बनेंगे और वो कल्चर डेवलप होगा ना इस्लाम का, कि पहले मुसलमान मस्जिद में जमात से नमाज़ पढ़ कर आपस में मिलते थे, एक दूसरे के हाल अहवाल लेते थे, फिर एक दूसरे की मदद वगैरह की भी तरकीब बनती थी, तो वो दौर आए तो मदीना मदीना हो जाए। अलबत्ता अपने काम से काम भी रखना चाहिए जहाँ पर यहाँ है और जहाँ लोगों की गमख्वारी का, इनकी वो परेशानी को दूर करने का है, तो उसके मुताबिक जहाँ जहाँ मालूमात हासिल हो या शरीयत के मुताबिक जहाँ जहाँ मालूमात ली जा सकती है लेकर ज़रूर लोगों के काम भी आना चाहिए। और अलबत्ता तजस्सुस में नहीं पढ़ना चाहिए, किसी की ऐबों की टो में नहीं पढ़ना चाहिए कि ये कुरान का हुक्म है ला तजस्सुसु, और तजस्सुस ना करो, किसी के ऐब ना टटोलो, इसमें ज़रूर अपने आप को बचाना चाहिए। फिर आपने मुलाहजा किया शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी रज़वी ज़ियाई दामत बरकातुहुम अलिया का इल्म हिकमत से मुज़य्यन मदनी मुज़ाकरा। गीबत के खिलाफ जंग, न गीबत करेंगे न गीबत सुनेंगे, मोहब्बतों के चोर कुफ्ल मदीना, इंशाअल्लाह। वो अपने आप ने कुफ्ल मदीना का भी नारा लगवाया, तो वो योम कुफ्ल मदीना समझते हैं। ये कब से शुरू हो रहा पता है? मालूम है, हर मदनी माह की पहली पीर शरीफ योम कुफ्ल मदीना, जो दावत इस्लामी के इस्ताई भाई हैं, इस्ताई बहनें हैं, इनमें एक तादाद है जो मनाती है। इसमें ये कि कल गुरूब आफ्ताब से लेकर योम कुफ्ल मदीना शुरू हो रहा है, इसमें आपको पढ़ना है खामोश शहजादा। अब यहाँ मोतकफिन में तो इसके पढ़ने की तरकीब अगर मुमकिन हो तो रिसाला पढ़ कर सुना दिया जाए, तो बहुत इसके फवायद बहुत हैं। सुनने नहीं देगा शैतान, बोरियत दिलाएगा, खुले आसमान के नीचे भेज देता है बहुतों को, लुट अंदर में रहा होगा और वो बेचारे वहाँ जमा हो जाते हैं। वो ये होता है कि अपने अपने नसीब होते हैं, जो नसीब वाले होते हैं बस तो पहली सफ पे ही बेचारे चिपक के बैठ जाते हैं कि हमको बस लूट के जाना है यहाँ से, तो हमको भी अल्लाह जज्बा आता फरमा। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको यानी योम कुफ्ल मदीना के सिलसिले में आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में और जहाँ जहाँ इतिकाफ़ हो रहा है वहाँ ये चाहिए कि खामोश शहजादा इसको पढ़ें, तो फिर आपको पता चलेगा ज़ुबान की क्या अहमियत है और ज़ुबान की कितनी वो हलाकत खेजियाँ भी होती हैं। तो इसको ज़रूर पढ़िए और ख़ामोशी की आदत बनाइए। इसमें यह करना है कि ज़रूरत की बात जहाँ तक मुमकिन हो वो लिख कर या इशारे से कर लें, जो सामने वाला भी अगर इस चीज़ को समझता है तो इसी में तरकीब बनती है, आवाम से नहीं बनती। आमतौर पर ये कर लें, कुछ इशारे से गुफ्तगू कर लें, और फजूल बातों से तो हमेशा बचना है, गुनाह भरी बातों से भी हमेशा बचना है। तो फजूल बातें उमूमन हो जाती हैं हमसे, अगरचे फजूल बात में गुनाह नहीं मिलता लेकिन फजूल करते करते फिर गुनाह भरी बातें बाद अवकात शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए हम शुरू से ही फजूल बात का ही रास्ता बंद कर दें ताकि गुनाह भरी बातों में ना पहुँचे। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक से पहले ही मैंने माय कुफ्ले मदीना शुरू कर दिया है। आप बोलेंगे ये बोलता ही चला जाता है, बोलता मैंने कुफ्ले मदीना लगाया है। तो काम की बात, ज़रूरत की बात बोलना ये कुफ्ले मदीना के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि ये जो मैं नेकी की दावत दे रहा हूँ ये चुप रहने से अफजल काम है, ये भी ज़हन में रहे। नेकी की दावत देना यह खामोशी से अफजल है। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं हत्तल इम्कान लिख कर और इशारों से बातें कर रहा हूँ। अब ज़ाहिर है मेरी अपनी जो अंदर मेरी दुनिया बस दीवार के पीछे है, अंदर यहाँ तो अब बैठता हूँ आपके साथ, अंदर चला जाता हूँ तो वहाँ जो अंदर होते हैं उनके साथ हत्तल इम्कान मेरा कुफ्ले मदीना अल्हम्दुलिल्लाह टाइट लगा रहता है। अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की रहमत से। तो ये तरगीब के लिए आपके अर्ज़ किया मैंने, तो इसकी बरकतें इसके फवायद मेरा दिल जानता है, बहुत फवायद है, बहुत बरकत, बड़ा सुकून कल्ब आपको मिलेगा, बड़ी रिक्कत सोज गुदास आप पाएंगे, रोना भी आएगा, सब कुछ होगा। आप लगा के तो देखें कुफ्ले मदीना टाइट लगा के देखें, मगर इसमें साइड इफ़ेक्ट बाजू का नहीं होता है,
کہ کفل مدینہ لگانے والے کو غصہ آتا ہے، انہیں کوئی اشارہ نہیں سمجھتا یا لکھنے میں ظاہر دیر بہت لگتی ہے، سستی ہوتی ہے، تو تھوڑا سا لکھتا ہے آدمی اور جی چاہتا ہے میں بس تھوڑا لکھوں اگلا پورا سمجھ جائے، میرا مقصد تو یہ ہوتا نہیں ہے، وہ پورا کیسے سمجھے گا؟ تو یوں کبھی انہیں غصے کا حملہ ہو جاتا ہے، اس میں کوشش کر کے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے اور غصے کا اظہار نہیں ہونے دینا. اب غصہ آ گیا اور غصے کا اظہار نہیں بلکہ پی لیا غصہ، تو کوئی گھونٹ اس سے بہتر گھونٹ نہیں ہے کہ جو غصے کا گھونٹ پی لے. حدیث شریف میں یہ مضمون بھی ہے، تو غصے پر کنٹرول کرنا یہ بھی کار ثواب ہے. عوام بولتے ہیں غصہ حرام ہے، یہ غلط ہے، غصہ حرام نہیں ہے. اب غصے کی وجہ سے اگر وہ گناہ کیا تو یہ گناہ حرام ہے. ویسے غصہ آ گیا یہ حرام کیسے ہوا؟ غصہ کس کو نہیں آتا؟ ایک دن کے بچے کو بھی آتا ہے، کبھی دیکھا ہی نہیں آپ نے، میں دکھاتا ہوں. جب بچہ واں واں کر کے وہ بس بے قابو کر روئے نا، تو یہ بھی بعض اوقات علامت اسی کو غصہ آ گیا ہے، اس کو دودھ پینا ہے. کچھ کر نہیں سکتا رونے کے سوا، تو رو کر اپنے غصے کا اظہار کرتا ہے، احتجاج کرتا ہے. تھوڑا بڑا ہوتا تو پھر بچہ جب غصے میں آتا تو ہاتھ کا کھلونا ٹھا کر کے پھینک دیتا ہے. اس دیکھے ہوں گے آپ نے تماشے، اور کیا کر سکتا ہے بیچارہ. کبھی مارتا بھی ہے بچہ، مارتا تو میٹھا لگتا ہے، غصے میں مارتا ہے. تو غصہ ہر عمر میں آتا ہے لیکن عموماً بڑھاپے میں زیادہ آتا ہے. تو اب غصے میں بعض اوقات دل آزاری سامنے والے کی ہو جاتی ہے، اس میں یہ کوشش کیا کریں کہ خدا نہ خواستہ دل آزاری ہو جائے تو توبہ بھی کریں اور فوراً اس سے معافی بھی مانگ لیں، اس کو راضی کر لیں. مگر بچنا ہی ہے دل آزاری سے. ہو گئی تو صحیح معنی میں کفل مدینہ آپ لگائیں. تو ہے کوئی ماہ کفل مدینہ میں میرا ساتھ دینے والا؟ ہاتھ اٹھا لیا، کیسے ہوگا یار، اتنے ساروں نے ہاتھ اٹھا لیا. اچھا آپ نے واقعی کون لگایا ماہ کفل مدینہ؟ صرف وہی ہاتھ اٹھائے. آپ کو یقین کیوں نہیں آتا؟ نہیں، دو چار ہاتھ کم ہو رہے. دیکھو جتنا ہو سکے کوشش. ٹھیک ہے بابا، بصیر پور والے بھی بعض ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں، ہب چوکی والے بھی بعض ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں. جی جی ماشاء اللہ، ہب چوکی والے بھی ماہ کفل مدینہ منائیں گے. سبحان اللہ، مرحبا. بصیر پور ہے ماشاء اللہ، چلو یہ بھی اپنی تحریک کے رکن ہو گئے. مدنی مذاکرے کے بعد آپ نے دیکھا سلسلہ فیضان سحری. اسی دوران آپ نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ عاشقان رسول کی سحری کے مناظر ملاحظہ کیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے ابھی جو سلسلہ جاری ہے اس کا موضوع رحمت الہی ہے. میرے آقا امام غزالی علیہ رحمت الوالی کا میں نے مضمون پڑھا رحمت الہی کے حوالے سے. آپ نے رحمت الہی پر بہت کچھ لکھا ہے، مگر جو رحمت الہی کے حوالے سے سن کر جو ایک ذہن ایک دوسری طرف جو قوم لے جاتی ہے اس کے متعلق بھی پھر لکھا گیا ہے. یعنی مجھے وہ روایت یاد آ رہی ہے، ایک شخص قیامت کے روز اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے، اسے یہ کہہ کر جہنم کی طرف بھیج دیا جاتا ہے کہ تو نے دنیا میں لوگوں کو میری رحمت سے مایوس کیا، آج میں تجھے اپنی رحمت سے کوئی حصہ نہیں دیتا. اس طرح کا ایک واقعہ ہے. لیکن جب ہم علماء سے، مفتیان کرام سے اس موضوع پر بات چیت کرتے ہیں اور جب ہم ان سے لیتے ہیں تو یہ آتا ہے کہ چونکہ دور بے باکی کا ہے اور لوگ رحمت کو بنیاد بنا کر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جیسے آپ کو بھی تجربہ ہوگا کہ یار یہ نہیں کرو، اللہ رحیم ہے، گناہوں پہ دلیر ہوتے ہیں. یہی بڑی بے باکی کا دور ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے اور اس کی رحمت سے جو بھی جنت میں جائے گا اس کی رحمت کے صدقے میں جائے گا، کیونکہ اس نے اگر نیکیاں قبول کر لی تو اپنی رحمت سے قبول کرنی ہے. کوئی شخص بھی اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں، آنکھوں کی پلکیں دی ہیں، آنکھوں کی پلک کے ایک بال کا شکر بھی زندگی بھر کی عبادت سے ادا نہیں ہو سکتا. لیکن وہ بزرگان دین، وہ اسلاف، وہ صحابہ جو جن کے تذکرے ہم پڑھتے ہیں، جو کہ بڑی طویل طویل عبادتیں کرتے تھے، صائم الدہر اور قائم اللیل تھے، دن کو روزہ رکھتے تھے، راتوں کو قیام کرتے تھے، عبادتیں کرتے تھے، توبہ استغفار کرتے تھے، لیکن عبادتیں کرنے کے ساتھ ساتھ وہ لرزہ بر اندام رہتے تھے، وہ ڈرتے رہتے تھے کہیں اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو رائے گا نہ فرما دے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندے کی عبادت کو قبول کرنا، یہ اس کی رحمت نہیں تو کیا ہے؟ یہ اس کا کرم نہیں تو کیا ہے؟ تو یقیناً یہ بات میرے مدنی چینل کے میں ناظرین کو بھی عرض کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، یہ مطلب یہ اور نیکیوں پر ابھارنے کے لیے
نہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو بنیاد بنا کر انسان اللہ کا نافرمان بن جائے۔ غالب حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مجھے یاد پڑتا ہے قول ہے کہ گناہ پر قائم رہتے ہوئے جنت کی امید کرنا یہ ایک اور گناہ ہے۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی جنت ملے گی۔ اور جیسے باپا کا شعر بھی ہے، اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی، اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی۔ اے کاش محلے میں جگہ ان کی ملی ہو۔ آپ نے پورا دن روزہ رکھا، بھوکے پیاسے رہے، افطار کی پانی پیا، اب اللہ کی رحمت سے امید رکھیں کہ یا اللہ یہ ٹوٹا پھوٹا جیسا بھی تھا تو قبول کر لے۔ یہ جو مطلب نماز جو میں نے غفلت کے ساتھ پڑھی، مجھے تو یہ بھی بعض نماز میں بھول جاتا تھا اللہ کے، میں نے پہلی کون سی سورت پڑھی تھی اور دوسرے میں کون سی سورت پڑھی، نمازوں میں بھولے کرتا ہوں میں، تو قاعدہ اولا بھول جاتا ہوں، تو میں جیسی پڑھی اللہ قبول کر لے۔ اب ہم جیسی عبادت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، یا جو بھی ہم سے نیک کام ہوتے ہیں، آپ یقین مانیں اگر یہ قبول ہو جائے، اب یہ رحمت نہیں تو کیا ہے؟ اسلام میں اعتدال ہے، افراط اور تفریط دونوں سے بچایا گیا ہے، بیلنس کے ساتھ رکھا گیا ہے کہ جب انسان کو یہ پتہ ہو کہ کوئی پکڑنے والا نہیں ہے تو وہ بے لگام حیوان کی طرح جہاں دیکھو جس طرح دیکھو تباہی پھیلاتا رہے گا، تو اس کے اوپر ایک خوف بھی ہے۔ اور جب کسی سے غلطی ہو جائے اور وہ دیکھے گا اب غلطی ہو گئی تو کہیں سے کوئی معافی کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، تو وہ بھی بعض اوقات اس غلطی کی بات وہ جرموں کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی قہاری کو بھی غور سے دیکھے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بھی غور کرے، یعنی گناہ کر کے پشیمان ہو، گناہ کر کے پچھتائے، یہ بے باکی نہیں ہونی چاہیے۔ بہت کامنلی یہ جملہ بولا جاتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے، بولا کیسے مقام پہ جاتا ہے کہ گناہوں پر قائم رہتے ہوئے بجائے اس کے کہ انسان اپنے اندر تبدیلی لائے، توبہ کرے، یہ گناہوں پر برنگیختہ کرتا ہے، یہ ابھارتا ہے۔ رحمت پر اتنی روایتیں اور رحمت پر اتنے واقعات ہیں، حیال علوم میں رحمت الہی پر بہترین مواد موجود ہیں، قرآن مجید کی آیتیں رحمت الہی پر ہیں، احادیث مبارک رحمت الہی، یہ رحمت کی باتیں ہمیں اللہ کی فرما برداری پر کیوں نہیں ابھارتے کہ میرا رب اتنا رحیم ہے؟ تو یہ کانسیپٹ ڈیولپ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کا کرم ہمیں نیکیوں کی طرف لے کے جائے، نہ کہ بے باقی کی طرف لے کے جائے۔ کالس لیتے ہیں۔ میں محمد ارشد بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے۔ مدنی چینل پر ایک سوال ہے میرا کہ سر ہم رمضان کے مہینے میں جب روزہ رکھتے ہیں تو کاروبار مین میں جھوٹ بولنا چاہیے یا نہیں؟ روزہ ہو یا نہ ہو، جھوٹ تو ویسے نہیں بولنا چاہیے تھا، اور روزے کی حالت میں جھوٹ بولیں گے تو اس کی قباحت اور بڑھ جائے گی، اور روزے کی جو اصل جو روح ہے وہ بھی افیکٹڈ ہوگی، وہ بھی متاثر ہوگی۔ یعنی یہ کیوں ہمارا مطلب کہ ذہن بن گیا کہ جھوٹ بولیں گے تو کام ہوگا؟ یعنی اللہ کی نافرمانی کروں گا تو مال بکے گا، اور اللہ کی فرما برداری کروں گا تو مال نہیں بکے گا۔ تو ایسا نہ کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پہ نظر رکھیں۔ دیکھیں آئی رحمت، کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کے رزق میں برکت دے اور آپ کا مال، آپ کی سچائی اور آپ کی دیانت کے سامنے آپ کا مال بھی آپ کا بکے گا۔ نگران شورا نے تھوڑی دیر پہلے جو مدنی پھول ارشاد فرمایا، واقعی وہ زبردست ایک سوچ ہمیں بنانی چاہیے، رحمت الہی کے بل بوتے پر بندہ جری نہ ہو جائے کہ چلو بھائی اب تو بخشے ہی جائیں گے۔ تو یقیناً جیسے نگران شورا نے رہنمائی فرمائی، وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، ہمیں اس طرف بھی نظر رکھنی ہے۔ صحیح حدیث سے ثابت ہے جی کہ وہ مسلمان بھی ہوں گے اور ان کی تعداد ہوگی جی جو جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ صحیح، یہ طے ہے، کنفرم۔ بیلنس کی بہترین بات سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملتی ہے۔ کیا بات ہے کہ اگر یہ ندا کی جائے کہ صرف ایک شخص جہنم میں جائے گا تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ میں نہ ہوں، اور یہ ندا کی جائے کہ صرف ایک شخص جنت میں جائے گا تو مجھے رب کی رحمت سے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا۔ کیا بات، الایمان بین الخوف والرجا۔ یہ مطلب اس طرح آدمی رہے، عبادت پر رہے بس، نہیں بڑی آپ نے پیاری بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مزید عبادت کرنے پر ہمیں یہ باتیں ابھاریں۔ یہاں بزرگان دین کے بھی اقوال ملتے ہیں، اور ذرا غور کیجئے، دنیا میں ہمارا کوئی خیال رکھے، دنیا میں ہمارا کوئی کیئر کرے، ہم چاہتے ہیں وہ ناراض نہ ہو، جو رب کریم ماں سے زیادہ چاہنے والا ہو،
जिसकी रहमत इस तरह हम पर बरसना चाहती हो, जो अपने बंदों की बख्शिश चाहता हो, उसे नाराज़ करने वाले काम क्यों किए जाएं। सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, आप रदी अल्लाह तआला अन्हु हुस्ने अखलाक के पैकर नबियों के ताजवर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत अकदस में हाजिर हुए तो मेरे आका अलैहिस्सलाम को रोता हुआ देख कर अर्ज़ गुजार हुए, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्यों आंसू बहा रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे पास जिब्राईल आए और मुझे कहा, अल्लाह अज़्ज़ा वजल को हया आती है कि वो किसी ऐसे शख्स को अजाब दे जो इस्लाम में बूढ़ा हुआ हो, फिर इस्लाम में बूढ़े होने वाले को हया क्यों नहीं आती कि वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल की नाफरमानी करता है? ऐसा भी शहरी क्यों दिखाते हैं आप बंदी चैनल पर? उसे दिखाने मरज क्या है, शहरी है मतलब कि अच्छी चीज़ है, लोग आशिकान रसूल बैठे हुए हैं, रमजान के रोजे मिलकर खाना खाना, इसके फजाइल मौजूद हैं, खाना खाने के फजाइल मौजूद हैं, सुन्नत के मुताबिक खाने खाने के फजाइल मौजूद हैं, मिट्टी के बर्तन में खाना खाने के फजाइल मौजूद हैं। फिर सिद्दी बात यह, जैसा अमीर सुन्नत मदनी मुजाकरे ने फरमाया कि हमारे नाज़रीन में लाखों वो हैं जो अमीर सुन्नत से मोहब्बत करते हैं, जो दावत इस्लामी से वाबस्त हैं, वो इस चीज़ को देखना चाहते हैं, वो हमारे मतलब बहुत बेस्ट व्यूअर्स हैं हमारे और एक्सक्लूसिव व्यूअर्स हैं हमारे। एक तो मुझे याद है लास्ट टाइम एक आध दफ़ा ये इसी तरह के सिलसिले में कुछ हुआ होगा कि नहीं दिखाई होगी, आ गई मतलब के कोर्स के बापा की शहरी क्यों नहीं दिखाई? अब लाखों करोड़ लोग जिससे मोहब्बत करते हैं तो देखने में क्या आ गया, एक अच्छा आदमी नजर आ रहा है, लोग उससे मोहब्बत कर रहे हैं, देखें ये और, तो आई सब और उससे तकलीफ ना ले, ये तकलीफ लगे मुझसे भी लोग मोहब्बत करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं जहाँ पर काम करता हूँ वहाँ पर मेरे जो मेरी ग्रेजुएशन है उसके हिसाब से 60-70% लोग रोजा नहीं रखते, वो जो रोजा नहीं रखते वो माह इस माह मुकद्दसा का या जो रोजेदार हैं उनका एहतराम भी नहीं करते, अल्लाह अल्लाह ओपनली खुलेआम वो पानी वगैरह पीते हैं सबके सामने। आप जिस शहर के भी हैं या आपने मदनी चैनल के तवस्सुत से जो अपना दर्द था वो नाज़रीन तक पहुँचाने की कोशिश की, और यकीनन जो इस वक्त हमारे साथ चैनल पर हैं वो उन्होंने आपका ये दर्द सुना भी होगा। मसला ये कि एक ये बेअमली नहीं है ना, बेअमलियाँ तो बहुत सारी हैं, रमज़ान और मुबारक में एक भी ये मिली हमारे सामने आई, और ये बहुत गंदी आदत है कि बिला इजाज़त शरी रमज़ान का रोज़ा कज़ा करना, ये शरण जायज़ ही नहीं है, ऐसा ना करें यार। फिर पेश किया गया रमज़ानुल मुबारक की मुनासबत से अरबी और उर्दू ज़बान में सिलसिला फैज़ान रमज़ान। कुल मुस्लिम في شهر رمضان أول هدف المغفرة والعتق من النار، أن يغفر الله له ويعتقنا من النار، هذا الهدف الأول. الهدف الثاني جمع الحسنات، نحن نريد رصيدا من الحسنات. الهدف الثالث هو هدف وجداني أكثر ما هو هدف يعني عملي، بمعنى هو عمل قلبي. كيف؟ متعلق بما مضى لكن مع تصحيح نية القرب من الله سبحانه وتعالى. تو ہمارا پہلا ہدف تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعائیں کر کے توبہ کر کے اپنی مغفرت کروانا اور ساتھ ہی ساتھ جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل کرنا، اس کے لیے بندہ کوشش کرتا رہے، اور دوسرا نیکیاں جمع کرنا، یہ نیکیاں جمع کرنے کا موسم ہے، اس موسم میں نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے، نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، اور تیسرا جو ہدف جو ہمیں بیان کیا جا رہا ہے یہ، اور یہ جو تین بیان کیے گئے ہیں یہ اجتہادی ہے، یعنی احادیث کو دیکھ کر یہ بیان کیے گئے ہیں، اس سے زیادہ بھی اہداف ہو سکتے ہیں مگر کم از کم یہ تین اہداف ہمارے سامنے ہوں، اور تیسرا ہدف یہ ہے کہ ہم ان پہلے دو چیزوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کریں، رب کریم عز و جل کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اور یہ ایک قلبی معاملہ ہے، یہ ایک دل کا معاملہ ہے، اس کی بھی نیت ہو اور اس کے لیے بھی کوششیں کریں۔ اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے دل میں اللہ تبارک و تعالی کی محبت پیدا ہونا، اور دل میں یہ چاہت ہونا کہ اس کا قرب نصیب ہو، یہ ہونا ضروری ہے۔ جب تک دل میں اللہ تبارک و تعالی کے قریب ہونے کی محبت پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک اللہ رب العزت کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا۔ وان يكون الهدف في الاساس رضا الله سبحانه وتعالى القرب من الله سبحانه وتعالى، لماذا؟ لأنه إذا أردت المنعم فالنعم ستأتيك يعني في كل الله الأحوال. الله 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 الله. إذا أردت الله وأحببته أحبك، فإذا أحبك هل يعذبك؟ هل يبخل عليك بما عنده؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى يقول أعددت، يعني يخاطب الجنة، تزيني لعبادي فإني،
لمن لعبادي للعباد لمن لمن أرادوه لمن أحبوه لله سبحانه وتعالى. هنالك حديث وإن كان فيه ضعف لكن جميل جدا، يا عبادي إني أحبكم فأحبوني. الله الله. إني أحبكم فأحبوني. هذا حديث. حديث آخر في نفس المعنى. في كل يوم يستأذن البحر. البحر يستأذن. يستأذن الله سبحانه وتعالى كما ورد هكذا. أن يطغى على ابن آدم ويغرق البشر. لماذا؟ يقول يا رب إنهم عصوك، إنهم فجروا، إنهم فعلوا، إنهم كذا، فدعني أغرقهم. فيقول لا، دعوهم. تأتي السماء فتقول يا رب دعني أطبق على ابن آدم فقد فجروا وكفروا وعصوا. طبعا أنا أذكر معنى الحديث لكي لا يكون ضبطا يعني، لكن معنى الحديث هذا الذي ورد، دعني أطبق فإنهم فجروا وفعلوا وفعلوا. فيقول لا، الأرض تستأذن الله يا رب دعني أنشق فأبتلعهم لأنهم عصروا وعصوا وفجروا وكفروا وغوا. فيناديهم ربنا سبحانه وتعالى أأنتم خلقتموه؟ الله. فيقولون لا يا رب سبحانك. فيقول دعوهم فإنكم لو خلقتموهم لرحمتموهم. وآخر میں پیش کیا گیا سلسلہ blessings of رمضان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. When the Quran is being recited, please listen to it carefully, attentively. Inshallah Azza wa Jal, you will gain its reward. أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ. It has been made lawful for you the night preceding fasting to go to your wife. كَاشِ تَصَوَّرْ بِمَدِينَةِ كِي گَلِيهُ يَا دِ محمد کی میرے دل میں بسی ہو. زید کے بچے دال دال کچے. And then they add that after بچے دال دال کچے. So he is now frustrated, he is angry, and the one who is saying that is enjoying. Then these kids will get encouraged. It still can be molded, but maybe through, you know, heavy and expensive process. They are jolly in their nature and putting that much burden at nanni si jaan us par itna bada saman. That culture of understanding, they can say whatever they want to say and do whatever they want to do. These kinds of things, boldness and confidence, the level of the confidence that the child builds, he or she does not care who is sitting in front of. Very severely, and they were upset. The best thing a father can teach his child is good manners. Oh, sure. So that is the best time when they are little to mold them with good values. So when they grow up to be responsible, practical Muslims, pious Muslims, so they can contribute positively in their society and their community as well. That is the actual contribution which the parents can make and should make. And that is to bring them up properly. Give them the best education. And you mean to say that putting them in good schools? We're not talking about expensive education. They must know their religion. They can make distinctive contribution. There's nothing best than becoming an alim-e-deen. I've given that to my children. As I mentioned in one of the silsilas before, people act as they are the Rabb of their families, of their children, as if Allah subhanahu wa ta'ala has taken the responsibility of sustenance back. Sadaqatun jariyatun wa ilmun naf. Father still gets the sawab. A very huge responsibility, not just for education, but also to bring up their little ones, their children, with good values, good morals. Am I allowed to give gift to my baji? Oh. Baji is actually female teacher. As in some cultures, they say appa. Appa is also, like in South Africa, we say appa. Any of their personal things. People think bribery is only when the policeman stops you from your motorbike or from your car and he says, shows your license. Maybe they brought one banana, one apple, some
you know, kebab, some whatever. Well, that's what we're discussing now. That's a question. Oh. Owner of that food is the child. In fact, the mothers will say, you know, you must eat. That they want to give women equal rights, like part of the misconceptions that are out there, another huge misconception. What is in Quran Kareem, what is in Ahadith Mubarakah, that is final. They are same today, they'll be same tomorrow. Women had no rights. They were treated like animals. Islam gave them rights, respect, recognition. In fact, Islam favored women more than men. The man has to look after his family, spend that money. He has to look after his parents, spend that money. If they are younger brothers and sisters, he must look after them, spend his money. Recently, as maybe 100 and 150 years ago, some European countries were still debating whether the woman is a human being, whether the woman has a soul even. And therefore, they have so many difficulties, so many problems which are increasing. Marhaba sad marhaba phir aa gaya ramzan hai marhaba sad marhaba phir aa gaya ramzan hai khil uthe murjhaye dil faizan e ramzan hai faizan e ramzan faizan e ramzan Faizan-e-Ramazan.